दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों एक बहुत ही बहुत बड़ी दोस्तों वैकेंसी आने वाली है और दोस्तों बहुत से लोग जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों कंपटीशन एग्जाम की या रेलवे की दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि दोस्तों ये फॉर्म आप जरूर भरें। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपकी दिल्ली पुलिस MTS के बारे में। दोस्तों ये 2022 की सबसे अच्छी वैकेंसी है और दोस्तों जो रेलवे की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं उसी सिलेबस पर आधारित ये वैकेंसी है और केवल दोस्तों यहाँ पर 10 पास यहाँ पर इसमें मांगा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पूरी की पूरी आपको जानकारी दी जाएगी और आपको पूरा का पूरा इसमें दोस्तों ऑफिशियली जानकारी दी जाएगी जो कि दोस्तों आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम खुद यहाँ पर दिल्ली पुलिस MTS में कार्यरत हैं। दोस्तों आपको मैं पूरी पूरी डिटेल भी दूंगा और कब से मेरी नौकरी लगी दोस्तों, इसके बारे में आप हमारे चैनल को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों इसमें इस बार आपको कम से कम यहां पर दोस्तों 2000 के लगभग लगभग दोस्तों पोस्टें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ये वैकेंसी पिछली बार कब आई थी। ठीक है दोस्तों, ये 2017 में वैकेंसी दोस्तों आई थी, उस समय लगभग 700+ यहाँ पर पोस्टें आई थी। ठीक है, इसमें और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये दोस्तों जो 700+ पोस्टें आई थी 2017 में, ये दोस्तों एग्जाम दोस्तों कराया था ये दिल्ली पुलिस खुद ने दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पूरा पूरा कराया था, जो कि दोस्तों दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जो वो होते हैं आपके ग्राउंड दोस्तों होते हैं उस पर यहाँ पर ये पूरा पूरा दोस्तों 700+ पोस्ट के लिए दोस्तों लगभग लगभग 7,500 लोग एग्जाम देने यहाँ पर फॉर्म इसमें भरे गए दोस्तों, और बहुत से लोग इसमें एग्जाम देने गए थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि इस बार कितनी पोस्ट आने वाली है, तो मैंने इसमें लिखा है कि लगभग लगभग यहाँ पर दोस्तों 2000 के करीब पोस्ट आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में चुनाव है दोस्तों, तो लगभग लगभग अच्छी खासी यहाँ वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बहुत से लोग दोस्तों बात कर रहे हो कि दिल्ली पुलिस में हाइट चाहिए पड़ती है या आपका इसमें फिजिकल होता है, दोस्तों आपका इसमें पूरा पूरा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, जो आपकी दिल्ली पुलिस दोस्तों होती है MTS जो वैकेंसी होती है, ये पूरी पूरी दोस्तों सिविलियन वैकेंसी होती है। ठीक है, इसमें ना तो यहाँ पर फिजिकल होता है इनका और दोस्तों ना ही इसमें आपकी हाइट चाहिए पड़ती है। ठीक है, केवल आपके पास 10 पास हो, उसके साथ दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखना भूल गए यहाँ पर, इसके साथ आपके पास ITI दोस्तों होगी तो भी आपकी यहाँ पर चल जाएगी। ठीक है, ITI भी आपको यहाँ पर अगर आप 10 के बाद ITI की है दोस्तों, तो कुछ ट्रेडें होती हैं यहाँ पर, ITI भी चल जाएगी। जैसे कारपेंटर है दोस्तों, उससे आपने ITI की है, इसमें दोस्तों 10 से 12 प्रकार की दोस्तों ट्रेडें होती हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूँ इसमें 10 से 12 प्रकार की जो ट्रेडें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि दोस्तों कुक होता है वो दिल्ली पुलिस में दोस्तों जो जहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग सेंटर हैं या दोस्तों कहीं कहीं मैच चलती है दिल्ली पुलिस की, वहाँ पर ये लोग खाना पीना बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों वाटर कैरियर हो गया, एक अलग ट्रेड है। जैसे कि सफाई कर्मी हो गया दोस्तों, जैसे दिल्ली पुलिस के जो थाने हैं या दोस्तों ऑफिस हैं वहाँ पर दोस्तों दिल्ली पुलिस की वहाँ पर सफाई कर्मी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, मोची हुआ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो सेंटर होती है वहाँ पर मोची होता है। धोबी दोस्तों हुआ, जो दिल्ली पुलिस का दोस्तों जो धोबी होती है दोस्तों वहाँ पर ऑफिशियली जो उसका काम होता है धोबी का, वो धुलाई का काम होता है। इसके साथ टेलर हुआ दोस्तों, टेलर का आप काम जानते ही हैं। जैसे दफ्तरी हुआ, दफ्तर का आप काम जानते ही हैं। माली हुआ जो दोस्तों पेड़ पौधे की दिल्ली पुलिस की दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी देखभाल करता है। इसके साथ दोस्तों बार हुआ जो दिल्ली पुलिस की यहाँ पर जो वो होते हैं दोस्तों बहुत बड़े ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर दोस्तों बार की शॉप टाइप की होती है दोस्तों सरकारी, वहाँ पर जो ट्रेनिंग में दोस्तों बच्चे जाते हैं उसके बार काटते हैं। बाकी भी अफसरों के यहाँ पर अफसर के दोस्तों यहाँ पर बाल यहाँ पर काटते हैं। ठीक है, इसके साथ कारपेंटर हुआ दोस्तों, इसके साथ और भी दोस्तों ट्रेड हुई, मैं आपको पूरी पूरी यहाँ पर जानकारी दूंगा। ठीक है, इसमें दोस्तों ना तो फिजिकल होता है और ना दोस्तों आपकी हाइट ली जाती है, आपकी कितनी भी हाइट हो आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों एज आपको मैं बताना भूल गया, एज इसमें दोस्तों एज कितनी चाहिए पड़ती है, देखिए एज की इसमें पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें एज 27 साल तक यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं जनरल वाले। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इसके साथ OBC को यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो OBC वाले यहाँ पर 30 साल तक भर सकते हैं, और इसके साथ दोस्तों आपके SC ST वाले आपके 33 साल तक भर सकते हैं। दोस्तों एक्स सर्विसमैन तो आप जानते ही आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो पुराना दोस्तों डाटा है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इस बार दोस्तों क्या है कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर ये प्रोवाइड नहीं कर रही है पूरी पूरी वैकेंसी को, इस बार SSC देख रही है। ठीक है, SSC पूरा पूरा प्रोसेस करेगी, वो एग्जाम आपका ऑनलाइन लेगी। ठीक है, पिछली बार जो दोस्तों एग्जाम हुआ था वो आपका यहाँ पर ऑनलाइन नहीं हुआ था, दिल्ली पुलिस जो सेंटर है दिल्ली पुलिस के वहाँ पर एक 100 नंबर का दोस्तों एग्जाम होता है इसमें, और वहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो सेंटर होते हैं वहाँ पर 100 नंबर का आपका OMR सीट द्वारा एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसमें सिलेबस क्या आता है, तो सिलेबस की बात करूँ तो दोस्तों सिलेबस इसमें 25 का यहाँ पर दोस्तों मैथ, 25 की रीजनिंग और दोस्तों 50 जो हो गया और 50 की आपकी GK प्लस करंट। ठीक है, इसमें ये आपका सिलेबस आता है, इसमें कुछ साइंस के 2-4 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैथ रीजनिंग आपकी 25-25 के और GK और दोस्तों आपकी करंट अफेयर 50 के, टोटल 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है
और दोस्तों 100 नंबर के पेपर में आपकी अच्छी खासी की कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी रेलवे की, वही सिलेबस है सेम, तो दोस्तों आराम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जिनकी मैथ रीजनिंग और जो GK GS में पकड़ है, आराम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों वैकेंसी की मैं बात करते हैं, इस वैकेंसी में वेतन की दोस्तों, तो दोस्तों आपका 1800 लेवल, दोस्तों ये लेवल 1 नहीं इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अराजपत्रित जॉब होती है, ये लेवल 3 है दोस्तों यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लेवल ग्रुप सी की वैकेंसी ये होती है, ठीक है। ग्रुप डी नहीं बोलते हैं इसको, ग्रुप क्या बोलते हैं, ग्रुप सी बोलते हैं, ठीक है, नॉन गेजेटेड, ग्रुप डी नहीं बोलते हैं इसको, ग्रुप सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है दिल्ली पुलिस की दोस्तों, जो मल्टी टास्किंग स्टाफ सिविलियन भर्ती होती है, ये आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, ठीक है। ना इसमें हाइट चाहिए, ना इसमें फिजिकल होता है, और वेतन भी दोस्तों आपकी लगभग लगभग 28,000 प्लस होगी, ठीक है, शुरुआती वेतन। और उसके साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसमें बहुत से बेनिफिट मिलते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके हमारे चैनल पे मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद दिल्ली पुलिस MTS में हूँ दोस्तों, आपको पूरी पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों, ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मैं पिछली बार जो दोस्तों 2017 में वैकेंसी आई थी उसमें सेलेक्टेड हुआ था, और अभी मैं दोस्तों जॉब कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर ऑफिशियल पूरी पूरी जानकारी दी जाएगी। आपके पास कोई भी डाउट या कमेंट दोस्तों कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।